हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से एक नया वीलॉग लेकर आई हूँ आपके लिए। और आज ये हमारा होगा पूरा जबलपुर ट्रिप, वन डे ट्रिप होगा ये हमारा। और अभी हम निकल चुके हैं घर से। बहुत लोग मेरी पर्सनल लाइफ भी देखना पसंद करते हैं, इसलिए सोचा कि एक वीडियो ये वाली भी शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के बहुत सारी वीडियोज़ बना ली और इनसे एडिट करके आप सबके लिए मैं नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो अभी हम करीब ये 10 बज रहा है दिन का और हम निकल चुके हैं घर से। हम सबसे पहले जा रहे हैं भेड़ाघाट। भेड़ाघाट आपने बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, आपने सुना होगा। एक्चुअल में ये फैमिली ट्रिप है, बिकॉज़ मेरे यहाँ बुआ और भैया एंड जीजा जी, दीदी, ये सब आए थे। तो उन्होंने मतलब नहीं देखा था, तो उनके साथ ही हम जा रहे थे। हम देख चुके हैं पहले भी, लेकिन एट दैट टाइम आई वॉज़ नॉट यूट्यूबर। तो अभी हम चले हैं अपने भेड़ाघाट की ओर और बहुत सारे हाईवेज क्रॉस किया हमने। और भेड़ाघाट का सफ़र तय करते वक्त यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। जैसे अभी आप देख सकते हैं खेती मिला बहुत सारा, एक हनुमान जी का बहुत विशाल मंदिर मिला जहाँ पे हमेशा रामायण का जाप होता है, कोई ना कोई वहाँ रामायण पढ़ते रहता है। तो इस टाइप की बहुत सारी हाईवेज पड़ी, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया। बहुत सारे हाईवेज पड़ी और फाइनली उसके बाद हम करीब 12-12:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए भेड़ाघाट। तो अब भी स्टिल बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जगह नहीं देखी है, या बहुत पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से मेरा वीडियो देखा जाता है। तो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बना रही हूँ। जैसे बहुत लोग होते हैं जो ज़्यादा टूर करना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जगह है ही। और ज़्यादातर अगर आपके पास टाइम है तो आप ठंड में आइए। अभी तो फॉरेनर्स भी आते हैं, लेकिन अभी मैं आपको वीडियो में एक भी नहीं दिखा पाई, बिकॉज अभी कोरोना काल चल रहा है, हम सब जानते हैं, इसलिए अभी सब कुछ बंद था। नहीं तो हमें ऐसा होता था कि कोई ना कोई फॉरेनर तो दिख ही जाता था जो एब्रॉड से आया हो। बहुत लोग उनके साथ पिक भी लेते थे इस तरह का, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है। और आप भी बताइए मुझे कमेंट में कि आप कहाँ गए हैं ऐसी फैमिली ट्रिप। हम एक बार और भी गए थे, बट मैं बहुत छोटी थी और ये बहुत दिन बाद हमने ऐसा वो किया। फिर भी अभी तो बस 10% लोग ही हम लोग गए थे एक कार बुक करके। अदरवाइज़ अगर हम पूरी फैमिली भी हमने गए हुए हैं तो उस पर तो 2-3 कार लगी जाती हैं। तो हम फाइनली भेड़ाघाट पहुंच चुके हैं और एक किनारे किनारे बहुत सारी चीज़ों के दुकान लगे हुए हैं। संगमरमर की चीज़ें हैं, जो भी डेकोर की चीज़ें हैं जो बनती है, संगमरमर के पत्थरों से जो बनाई जाती हैं वो भी, बिकॉज भेड़ाघाट में संगमरमर का पत्थर ही मिलता है, अवेलेबल होता है। और आप और जब बंदर कुंडली साइड जाएंगे तो आपको मतलब वेराइटीज़ ऑफ स्टोन्स के मिलेंगे आपको, जो गीले रॉक हैं, कच्चे रॉक हैं और जो हार्ड रॉक हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है और उसको ना मैं स्पीड बढ़ाऊंगी ना कुछ भी एडिट नहीं करूंगी, वो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे, बिकॉज जो वहाँ पे कमेंटेटर है और जो गाइड हैं वो इतनी अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं कि आप मत पूछिए, इसलिए आप भी होप्स इन्जॉय करेंगे। इसलिए मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिन्हें पसंद आती है वो ज़रूर शौक से वो वीडियो देखें, क्योंकि अब लाइव हो सकता है ज़्यादा मज़ा आए, लेकिन वीडियो में मैं आपको उतना ही मस्ती करवाने की कोशिश करूँगी। तो ये कुछ देखिए मूर्ति है, सारी संगमरमर की बनी हुई हैं। कई लोग दुनिया भर से यहाँ के लोग आते हैं और यहाँ का जगह इन्जॉय करते हैं, तो सोचा हम भी इन्जॉय करें इस जगह को और मैं वीडियो बनाते चल रही हूँ। लेकिन ये है कि मुझे चलना भी था फास्ट, तो मैं बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ, इतना टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमें पूरा जबलपुर कवर करना था। बहुत अच्छी अच्छी और भी चीज़ें हैं सुना था, तो बस यही है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना था। और एक्चुअल में बुआ लोगों के आने का रीज़न ये था कि भाई की शादी होने वाली है, तो ख़रीदारी के लिए वो यहाँ जबलपुर आए हुए थे, बिकॉज़ जबलपुर में जो है शायद कपड़े सस्ते मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू छत्तीसगढ़, इसीलिए। तो हम फाइनली अपने जबलपुर का भेड़ाघाट पहुँच चुके हैं और ये लास्ट शॉप्स हैं जो, उसके बाद करीब हमें कुछ दूर और ही चलना है, फिर वो आपको धुआंधार दिख रहा होगा। और हम चलते हैं फटाफट अपने धुआंधार की ओर। मैंने वीडियो कट कर करके बनाए हैं, बिकॉज बहुत सारा वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं था, आपको बस रास्ते ही दिखते, इसलिए मैंने मेन जगह का आपको दिखाया है। आपको पसंद आता है तो आप पानी है।
रही है पहले खाली पानी ही नहीं नीचे हो ना शूट कर दिया ताकि आप लोग को कंफर्म हो जाए कि हाँ मैं भेड़ाघाट में हूँ, क्योंकि बहुत लोग कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा देते हैं। उसके बाद हम वाटरफॉल के ऊपर आ गए हैं ताकि हम भी थोड़ा पानी वानी में बैठ सकें, बिकॉज़ ठंडी तो ज़ोरों सी थी। और इसीलिए क्या करते हैं हम कि ओनली पैड उबा के हम बैठते हैं, यहाँ हर बार बैठते हैं ऐसा नहीं है। तो अभी हम ऊपर की सतह पर आ गए हैं, ऊपर साइड, और ये देखिए चट्टानों से घिरा हुआ कितना सुंदर कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ कि मत पूछिए। और यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, पीछे बुआ हैं, भैया हैं, दीदी हैं, और उधर थोड़े पीछे में वो देखिए जीजा जी, और इनके रील चल रही है इंस्टाग्राम के लिए और पोज दिया जा रहा था यहाँ पे। उसके बाद ये हम बैठे हैं पानी, मैंने पानी को भी वो किया है, बहुत ठंडा था पानी लेकिन बहुत मज़ा आया, बिकॉज ये था कि चलते चलते थोड़ा शरीर में गर्मी हो जाती है ना, तो ये इस टाइप का बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया हमें। तो उसके बाद हमने करीब यहाँ पे 1.5-2 घंटा रुके शायद हम। उसके बाद हम चले अपने नेक्स्ट स्टॉपेज की ओर, और वो था हमारा बंदरकुदनी। बंदरकुदनी के जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक अलग से वीडियो शूट कर रखा है, वो आप अलग से मैं डालूंगी, अगर आप इंजॉयबल लगता है आपको आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को। और उसके बाद हमने कार में बैठे और फिर हम टिफ़िन लेकर गए थे हम, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लंच किया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टॉपेज की ओर बढ़े। तो हम पहुँच गए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉपेज में जो है बंदरकुदनी, और यहाँ का आप मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर शायद वहाँ नहीं पड़ता, पीछे है, लेकिन दिखता है, लोग वहाँ भी जाते हैं विज़िट करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था तो हम नहीं गए। उसके बाद हम सीधा रुके नौका विहार में, क्योंकि हमने नौका विहार भी किया, और असली मज़ा वही है जब आप नौका विहार का मज़ा लेते हैं। तो बाकी ये हम नीचे गए, हमने चढ़े जो भी नाव चलती है यहाँ, शिप वगैरह का कोई वो नहीं है, क्योंकि शिप में बहुत जल्दी हमने पूछा भी कि आपके पास शिप वगैरह नहीं है क्या करके, तो उन्होंने रीज़न दिया कि बहुत जल्दी घूम, सब कोई पसंद नहीं करता बहुत जल्दी घूमना इसीलिए। तो यहाँ भी सेम तरह की दुकानें थी, संगमरमर की बनी हुई अलग अलग चीज़ें। हम पैदल चलते चलते नीचे गए है ना, ये ऊपर की तरफ था, हम नीचे गए। उसके बाद हमने नौका विहार किया, अभी चलते हैं नीचे की ओर।
नाव में ही घूम कर देखा। जो कमेंट्री कर रहा था वो सूखा था, उससे इतना मज़ा आता था कि मत पूछिए। इसकी वीडियो मैंने अलग से बना ले रखी है। उसके बाद हम चले, अब ये हम एक्चुअल में घूमने के बाद ही वापस अपने स्टॉपेज पे आ रहे हैं, वापस उसी जगह पर आ रहे हैं। और बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ पे, वो सब हमें बताया उन्होंने कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ। बहुत मज़ा आया। मगरमच्छ भी है यहाँ पे, वो भी उन्होंने बताया कि यहाँ पर दिखा, हमें दिखा नहीं एक्चुअल में, लेकिन ये लगता था कि जो यहाँ पर उन्हें देखा गया है या जहाँ पर वो रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो वो हमें शो किया गया है। अच्छा मंदिर का दर्शन करने गए हम, वो है त्रिपुर सुंदरी। आपने बहुत सुना होगा और फैक्ट ये कहा जाता है। और भाई मैं तो सिंपल आपको बता रही हूँ कि मेरे भगवान पे आस्था है, मुझे लगता है कि हम भगवान हैं यहाँ पे। अब सबकी अपनी मान्यता है और इस बारे में आपको कोई भी राय देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं मानती हूँ, इसलिए मैं गई और अपने बुआ लोगों को भी ले गई। कहा जाता है कि जब 108 करोड़ देवी देवता नहीं सुनते, तब त्रिपुर सुंदरी आपकी सुनेगी, ये कहा जाता है। और इसका नमूना अभी आपको मंदिर में चलते ही पता चल जाएगा। कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं जितना शूट कर पाई मैं की धीरे धीरे चोरी से। और ये जो आपको जितनी भी लाल चीज़ें दिख रही हैं, अभी क्या है कोरोना काल में आई थिंक ये सारे नारियल निकाल दिए गए हैं, लेकिन जो उस तरफ की नारियल हैं, करीब 1000-1500 नारियल बंदी होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो मन्नत मांगते हैं यहाँ पे और वो नारियल लगा देते हैं। उसके बाद जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो लाल कपड़े का नारियल निकाल के उस नारियल को प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, कहा जाए तो। ये त्रिपुर सुंदरी है और हम यहाँ पे आ चुके हैं, पहले भी आए हैं। और यहाँ जो मान्यता है, जो देवी जी थी यहाँ की, वो कुएं से निकली थी। और जो वो आपको थोड़ा सा वो दिख रहा है ना मंदिर, वहाँ पे असली देवी रखी हुई है, बाकी उनकी एक बड़ी प्रतिमा जो है वो उस मंदिर पे रखी हुई है। तो हम वहाँ से देवी दर्शन करने के बाद प्रसाद वसाद लेकर वहाँ से निकले। इसके बाद हम पहुँचे जैन मंदिर जो है पिसनारी की मड़िया। मैंने वीडियो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बनाया है गाइस, आपको बोरिंग करने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था और मीनिंग भी नहीं था कुछ। तो पहाड़ों के ऊपर है ये जैन मंदिर जो है वो, और बहुत साफ़ सफाई है, बहुत अच्छा है, बहुत काम जो है। अगर आप परेशानी में है कहा जाए तो आप यहाँ आइए, आपको रिलैक्स फील होगा, क्योंकि यहाँ की सभ्यता जो है, यहाँ का वो है। अब हम लोग जो थे आधा पहाड़ चढ़ चुके थे। और ये देखिए पूरा जबलपुर कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। तो ये, और यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश की ताकि मैं इसे वीलॉग में डाल सकूँ। ऊपर भी मंदिर है, ये आधे हाइट की ही मंदिर है। अभी मैंने ऊपर जाके भी कुछ शूट किए हैं, क्योंकि वो रहते हैं ना पुजारी, तो फिर वो टोकते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। ये देखिए, ये हम सबसे टॉप में आ गए हैं, टॉप मोस्ट में आ गए हैं। इसके ऊपर मतलब वो कितनी भी हाइट से दिखता है। तो हमने पूरा मंदिर ये वाला दर्शन किया। ये सब दर्शन के बाद, उसके बाद हमारा लास्ट स्टॉपेज था वो था कचनार सिटी। उसके बाद हम कचनार सिटी पहुँचे और ये बिल्कुल टोटल अलग रूट है, लाइक वाई शेप में है गाइज ये रूट। जैसे कचनार सिटी एक छोर पे और भेड़ाघाट वाली रास्ता एक जगह में ऐसा है। तो आप देख सकते हो कितनी दूर हूँ मैं, फिर भी वो शिवलिंग दिख रही है। इतनी ज़्यादा हाइट है शिवलिंग की, आप खुश हो जाएंगे देखकर। हम करेक्ट आरती के समय पहुँचे थे और हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम आरती अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। आधा अटेंड किया हमने, यहाँ पे भी फ़ोटो वोटो लिए, लेकिन देखिए काफ़ी रात हो गई थी, टाइम भी नहीं था, ठंडी भी थी, बहुत सारी चीज़ें आ गई बीच में, इसीलिए हमने ये दर्शन करके गए। हमें जाना तो ग्वारी घाट भी था और मदन महल वगैरह भी जाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा रात होने की वजह से हम नहीं जा पाए। एंड दूसरे दिन ट्रेन भी था हमारा, सो हम नहीं जा पाए इन शॉर्ट कहने का। तो ये हमारा लास्ट स्टॉपेज है। ये देखिए शिवलिंग इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, और नंदी बैल सामने बैठे हुए हैं, सब लोग मन्नत मांगते हैं दूर से ही, और क्योंकि वहाँ पे घेरा लग चुका है। और इस जो यहाँ पे वो बैठे हुए हैं जो सिंहासन है, उसके नीचे पूरा गुफा है। गुफा में 12 शिवलिंगों के नाम सहित उन्हें दर्शाया गया है कि कौन से स्टेट में कौन से शिवलिंग को पूजा जाता है। तो ये भी एक बहुत रोमांचित चीज़ें हैं जो आदमी को देखना चाहिए या रोमांचित बनाता है कह सकते हैं।
तो ये देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है जो कैमरा में कैप्चर पूरे, अगर आप सेल्फी लेंगे ना तो शिवलिंग पूरा नहीं आता, इतना बड़ा है ये। मैं तो बहुत पीछे हो गए आपको ये शिवलिंग दिखा रही हूँ। तो ये था फाइनल वाला हमारा पूरा जबलपुर ट्रिप। जबलपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो अगर आप भी ऐसा कोई जगह विजिट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कहाँ गए थे, और हो सके तो जबलपुर